राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों की शादी की तैयारियाँ हो गई होंगी, और अगर नहीं हुई है फिर भी किसी की या कोई कर रहा है तो मैंने आपके लिए आज की वीडियो में बहुत ही अच्छा, जो मैंने अपनी शादी पर उपटन करवाई थी मंथ में 3 बार शादी से 1 महीने पहले, जो कि घर पे बनी थी, बहुत ही अमेजिंग थी। मतलब और किसी चीज़ को कराने की फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। आप भी वो ट्राई कर सकते हो अगर आपकी भी शादी होने वाली है, आप शादी में जाने वाले हो। तो ये बहुत ही अच्छी सी उपटन मैंने आज बनाई है। और हाँ, जो सेंसिटिव स्किन वाले तो आई सजेस्ट कि आप पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा। चलिए बनाते हैं आपके लिए एक अमेजिंग सी उपटन। प्यारी खुशबू आ रही है ना इसमें, मैं बता नहीं सकती। इसको अभी हम सूखने देंगे। अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो इसको ज़रूर यूज़ करना, ओवर मत करना। बस हफ्ते में एक बार आप कर सकते हो, उतना ही मैंने करवाया था। रिजल्ट्स जो थे वो अमेजिंग थे, लिटरली मैं बता रही हूँ। मैंने कोई पार्लर पे सिटिंग नहीं ली थी अपनी शादी पे। पार्लर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहिए, लेकिन आपको अपनी स्किन के हिसाब से चीज़ें करवानी हैं। ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स अपने ऊपर यूज़ करवाइएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो वो चीज़ आपको रिएक्ट कर जा रही है। कोशिश कीजिएगा तब तक आप अच्छी डाइट लें, हाइड्रेटेड रहें, जूसेस पिएं। ग्लो जो है वो हम क्या डाइट ले रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर कैरी करनी है जिससे आपका ग्लो जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। शादी पे आप तैयार हो गए हो और मुंह है ऐसे सीरियस, तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्यारी सी स्माइल कैरी करनी है हमेशा, तो पूरे टाइम अपने फंक्शन में, उसके बाद भी इवन आई विश सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहें आपके साथ। और मैं माई बेस्ट विशेज आर विथ यू। और एक प्यारी सी स्माइल आपको कैरी करनी है जिससे आपका जो पूरा तैयारी है, पूरा मेकअप एंड एवरीथिंग सब बहुत अच्छी लगेगी। तो ये जो हमें निकालना है इसको हम ऊपर की साइड निकालेंगे। तो आप विश्वास के साथ कीजिए चीज़ें, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। जितना नेचुरल रहेंगे, जितना नेचुरल चीज़ों के टच में रहेंगे, लिटरली मैं बता रही हूँ, आई एम अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कम से कम चीज़ें ये सारी लगाऊँ, उससे स्किन को बहुत बहुत हार्म होता है। तो ओकेजनली आप कीजिएगा, अच्छा लगता है ओकेजन्स पर, बट ये नहीं डेली आप कर रहे हो। मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस की है ये वाली चीज़। जब मैं जॉब कर रही थी तब इसी फील्ड में थी, तो मतलब मैं डेली मेकअप पुट ऑन कर रही हूँ और मेरी स्किन कुछ टाइम में, लाइक 1 महीने में, इतनी ज़्यादा अजीब सी हो गई थी। फिर मतलब मैंने कान पकड़ लिए कि ये सब मुझे नहीं लगाना, ऑल्दो सब ब्रांडेड था, सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स थे, तो वो सब उसके बाद से तो मैंने नहीं टच किया है। हाँ, ओकेजनली मैं कभी कभी कर लेती हूँ। और अगर आप मेकअप कर भी रहे हो तो उसको टाइमली रिमूव कीजिए, और ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, प्लीज़ अवॉइड दैट, प्लीज़। ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है फेस से, मतलब ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है यार, बहुत इफ़ेक्टिव है, आई से मस्ट ट्राई। इसको अपोजिट डायरेक्शन में करना है ताकि जो हमारे बेबी हेयर होते हैं ना इधर इधर की साइड, वो सारे इसके साथ निकल जाएंगे, और जो आप रेगुलर यूज़ करोगे इसको तब वो और मिनिमाइज हो जाएंगे। देख रहे हो आप कितनी डर्ट निकली है, कितनी ज़्यादा, ऐसा लग रहा है मैंने कब से चेहरा ही नहीं धोया अपना, मतलब इतनी गंदगी निकली है, इतना ज़्यादा गंदगी होती है हमारे फेस पे, देख रहे हो आप। मतलब नेचुरल ऐसा नहीं है कि इसकी लाइट की वजह से इतना चमक रहा है, नेचुरल लाइट में भी, मतलब आप और वीडियोस देख लेना चाहें तो। तो मैं अपने फेस को वॉश करने जा रही हूँ अभी, मुझे बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट गर्म गर्म, अभी गर्म लग रहा है काफ़ी, और सॉफ्ट सॉफ्ट थोड़ी रेडनेस ये है, ये चले जाएगी अभी थोड़ी देर में। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।